चार लोग इनफैक्ट 10 जी के बारे में बताओ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परसों 10 में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है, यानी जिसमें प्रायिकता किसी भी इवेंट की निकाली जाएगी, और वो फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम। इसके बेस पे सारे सारे क्वेश्चन टेंथ क्लास में, जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी फॉर्मूला है। आप लोग देखो, पहला पॉइंट हमारा है, यदि एक सिक्के को n बार उछाला जाए तो कुल परिणाम 2 की पावर n होगी। कितने होंगे? 2 की पावर n होगी। जैसे कि क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, क्वेश्चन क्या है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। आंसर निकालने की लास्ट तक कोशिश की जाएगी सभी चीजों, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक चीज हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, अधिक से अधिक दो चीज हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, कोई चीज न हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, केवल दो चीज हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, दो चीज हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। जहां तक कोशिश हो सकती है मैंने सभी क्वेश्चन एडजस्ट करने की कोशिश की इसी क्वेश्चन में, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उदाहरण की वजह से समझ सकूं। अब देखो आप लोग, पहले कुल परिणाम निकाल लें, क्योंकि सिक्का 3 बार चला, कितनी बार चला, 3 बार, 2 की पावर 3 बराबर कितना होगा 8, यानी कुल परिणाम हमारे 8 होंगे। कितने होंगे? 8। मैं कुल परिणाम लिखिए, हेड ऐड हो सकते हैं, हेड ऐड टेल हो सकते हैं, हेड टेल ऐड हो सकते हैं, टेल हेड ऐड हो सकते हैं, और हेड टेल टेल हो सकते हैं, टेल हेड हेड टेल हो सकते हैं, टेल टेल हेड हो सकते हैं, तीनों तीनों टेल हो सकते हैं। क्लियर? अब देखो आप लोग, अगर मैं एक ही लिखता हूँ सभी चित हूँ, चित का मतलब होता है यानी कि एच। अब देखो आप लोग, इसमें तीनों तीनों एच होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 2 3, एक ही है, जब एक ही है तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/8, यानी कि मैं जब एक ही है और टोटल कितने हैं 8, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो आप लोगों को आंसर बिल्कुल दिया है 1/8, कितना होगा 8। अब देखते हैं बी को, कम से कम एक चीज हो, कम से कम एक चीज का मतलब है अधिक से अधिक आप सारे के सारे लेंगे, कम से कम आपको कितना लेना, एक लेना। अब एक चीज तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें है और इसके ऊपर तुम्हारे पास सारे सारे का होगा, यानी कि हेड हेड से लेकर टेल टेल हेड तक, ये सिर्फ टेल टेल छूटेगा, टेल टेल छोड़ दो, जो बाकी बचे उन सबको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो प्रैक्टिस कितनी होगी, 7/8। अब आप लोग देखो प्रैक्टिस सी की, सी क्या है, अधिक से अधिक दो चित हो, अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, दो चित, इन दो चित से नीचे के आप सभी इंक्लूड करोगे, जितने भी सारे नीचे के हैं सारे सारे आप इंक्लूड करोगे। जैसे कि आप लोग दो चित देखो, 3 बार छूटा हमारे, 3 हेड से तो हमारे सभी, यानी कितने होंगे, 7/8। इसकी प्रैक्टिस कितनी होगी, 7, तो 3 हेड से नीचे वाले बचे कुल परिणाम कितने, 8, और कुल परिणाम बटे कुल परिणाम 7/8 प्रैक्टिस होगी। अब इवेंट देखो, डी पर देखो, कोई चित न हो, जब कोई चीज नहीं होगा तो क्या होगा, सारे पट होंगे, पट का मतलब टैल टैल टैल, और ये एक ही है, जब एक ही होगा तो 1/8 की प्रायिकता क्लियर। अब ये देखो, इनमें केवल दो चीज होंगे, दो चीज कब होंगे, जब हेड हेड दो पा जाते हैं, 1 2 3, केवल 3 पॉइंट है, तो 8 में जब 3 है तो 3/8 है प्रायिकता। एफ की देखो, अब दो चीज हो, अब प्रॉब्लम ये है कि केवल दो चीज, केवल दो में क्या होगा, सिर्फ केवल वाले लिए जाएंगे, लेकिन दो में आप लोग में लोगे जिनमें दो चीज है, देखो दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप लोग ये चारों चारों पॉइंट हो गए, और चार चार आपकी क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी। क्लियर? मैक्सिमम से मैक्सिमम